क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? यह आमतौर पर तब होता है जब बारिश हो रही होती है और सूरज निकलता है। सूरज की रोशनी और बारिश की बूंदें मिलकर आसमान में अलग अलग रंग बनाती हैं। इससे सात रंगों वाला एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी, जिसे देखना हमेशा एक आनंददायक अनुभव होता है। बारिश के मौसम में इंद्रधनुष सबसे आम होता है। हर साल 3 अप्रैल को नेशनल फाइन रेनबो डे मनाया जाता है। रेनबो शब्द लैटिन वाक्यांश आर्कस प्लूवियस से आया है, जिसका मतलब होता है बरसात का आंख। रेनबो यानी इंद्रधनुष सात रंगों से बना होता है, जिन्हें विब्यो कहा जाता है। चंद्रमा इंद्रधनुष भी बना सकता है, जिसे मूनबो के नाम से जाना जाता है। आप कभी भी इंद्रधनुष के अंत तक नहीं पहुंच सकते। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार जब आप जमीन पर होते हैं तो आप केवल आधा इंद्रधनुष ही देख सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तो आप इंद्रधनुष को पूरे चक्र में देख सकते हैं। इंद्रधनुष सर्दी की बजाय गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक होते हैं। औसत इंद्रधनुष 1 घंटे तक रहता है। दुनिया का सबसे लंबा इंद्रधनुष 2017 में ताइपाई, ताइवान के पहाड़ों में देखा गया था। ये सुबह 6:57 बजे से दोपहर 3:55 बजे तक लगभग 8:58 तक रहा। जब बारिश की बूंद में प्रकाश 2 बार परावर्तित होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोहरे इंद्रधनुष के बीच के स्थान को अलेक्जेंडर की डार्क बैंड के रूप में जाना जाता है। इसका नाम एफ्रोडाइसियास के अलेक्जेंडर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 200 ईस्वी के आसपास इसका वर्णन किया था। इंद्रधनुष आकाश में किसी विशिष्ट स्थान पर मौजूद नहीं होता है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां इंद्रधनुष होते हैं। हवाई राज्य में सबसे अधिक इंद्रधनुष होते हैं। ग्रीक और रोमन काल में यह माना जाता था कि इंद्रधनुष की देवी आयरिस द्वारा बनाया गया एक मार्ग है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।